सितंबर, 4 सितंबर, चमत्कार जो खुद में बीती, जो खुद मैंने देखा चमत्कार, वो बताती हूँ। सुने हुए किस्से कहानियां कहना मेरी आदत नहीं है, जब तक प्रमाणित ना हो। आप थे, क्या बात है, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। 4 सितंबर की यात्रा मेहंदीपुर में, और 4 सितंबर को ही कीर्तन। मन था कि जिस प्रकार खाटू में एक यात्रा की थी, जिसमें मेहंदीपुर से श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके और उनको उनके मित्र बाबा श्याम से मिलाने 20 दिसंबर को गई थी। एक दिन खाटू में एकादशी पर दर्शन करने जा रही थी, तो मन में आया कि क्यों ना इस बार एक यात्रा की जाए मेहंदीपुर, जिसमें बाबा श्याम को मेहंदीपुर लेके जाया जाए। ये भक्तों के भाव है सिर्फ। यात्रा प्रारंभ हुई, जो मेहंदीपुर गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहां पे पेड़ बहुत हैं मेहंदीपुर में, और तार भी बहुत निकले हुए हैं लाइन के, दो रथ किए, जिसमें एक में बाबा श्याम को विराजित किया और दूसरे रथ में श्री बालाजी महाराज को। रथ अपनी गति से चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, और बालाजी महाराज के मंदिर के बाहर थोड़े पहले, लगभग 50 मीटर पहले, ऊंचे ऊंचे पेड़ जो थे, जिनकी टहनियां लग रही थी कि कभी भी छू सकती हैं रथ को। आप विश्वास मानिएगा, मेरे देखते देखते वहां हजारों की संख्या में भक्त थे, जिनके देखते देखते मात्र आधा इंच की दूरी रथ और पेड़ की टहनी से दूर रह गई, और रथ अपनी गति से आगे चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। और जब मैं सोच में पड़ गई कि टहनी तो पेड़ की इतनी नीचे थी, रथ कैसे आगे निकल सकता है, क्योंकि भक्तों ने राय दी कि अब बाबा की छवि यहीं से ले लो, रथ वापस कर दो। मेरा मन था नहीं, मंदिर के बाहर तक रथ जाएंगे। विश्वास मानिए, मात्र आधा इंच की दूरी रथ और पेड़ में रह गई, लेकिन जब मैंने उस टहनी के ऊपर देखा तो बानर राज बैठे हुए थे, और जैसे ही रथ आगे बढ़ा, बानर राज उस पेड़ से हटके दूसरे पेड़ पे आ गए। दूसरा चमत्कार, बाबा श्याम की छवि शीश को लेके मैं मंदिर में बालाजी महाराज के अंदर प्रवेश कर गई। मन था दोनों मित्रों का मेहंदीपुर में मिलन कराना है, जो गए थे उन्होंने देखा होगा मंदिर में मेहंदीपुर में 500 भक्त एकत्रित थे उस समय, 500 भक्त मंदिर में थे। बाबा का शीश मैंने मेरी गोद में लिया, श्री बालाजी महाराज के सामने पहुंची, श्री बालाजी महाराज ने अपने मित्र की खुशी जताई, और बालाजी महाराज के हृदय में ज्योति प्रज्वलित हो गई बाबा श्याम को देखते ही। और कितने चमत्कार गिनाऊं, ना जाने ऐसे कितने चमत्कार हैं जो आए हैं अर्जी लगाने के लिए। प्यारे, ये वो नाम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।